नहीं सब सीख कर आई है बंसी के घर से। बिल्कुल सही कहती है यशोधरा, बंसी के बेटे के जबान कैंची की तरह चलती है, हाथ पैर ना चलते पर जबान ही चलती है दिन भर। लगता है बाबूजी आ गए। मैया दीदी तो क्या खुदर पसर लगा रखी है सबने। अब इस घर में कोई मेरे लिए चाय बनाएगा या मैं सन्यास ले लूं? जी अभी लाई। और सुन, मेरी चाय में अदरक इलायची कायदे से पेस्ट कर डाल दियो। जी जी, साथ में मैं दाल मूठ भी बना लाती हूँ। और सुन, वो मेरी छड़ी वो बाहर रह गई है। अभी लाई। अरे लानी नहीं है, मुझे लेके जाना है छड़ी के पास। चलना थोड़े ही, इसे तो रंगना कहते हैं बहू। एक जमाना था मेरठ बाईपास तक दौड़ के पहुंच जाता था मैं। क्यों बाबूजी, तब रिक्शा नहीं चलती थी? चलती थी, उस जमाने में तेरी सास की चलती थी मुझ पे। 5 रुपए भी निकालने नहीं देती थी असोदरा अलमारी से। बताओ, पैदल ही जाना पड़ता था ना। ननद जी, दीदी ये किस यशोधरा की बात कर रही है? दीदी नहीं दादाजी, यशोधरा मेरी दादी मतलब मैया की सासू माँ का नाम था। दीदी फिर चली गई। समझ नहीं आ रहा, करूं तो क्या करूं? माजी माजी, दीदी ठीक तो है ना? मेरा मतलब है दीदी, दीदी है या दादा? दादा ही है। अरे मैंने तो फालतू की मुसीबत मोल ले ली है बाबूजी को बुला के। मुझे तो अपने हार के लिए पूछना था, लेकिन हार की बात के अलावा सब बातें हो रही। चाय पिला दी, चप्पल पहना दी, गरम पानी कर दिया, केएल सहगल के गाने भी सुना दी, लेकिन हार की बात का कोई अता पता ही नहीं है। मैया, तूने दादाजी को अपने खोए हुए हार के बारे में पूछने के लिए बुलाया ना? नहीं, विराट कोहली ने हमें शादी में क्यों नहीं बुलाया ये पूछने के लिए बुलाया। अरे कुसुम, हार के बारे में ही तो पूछने के लिए बुलाया है। तो फिर तू हार के बारे में ही पूछ। कहा है ना, जब आत्मा आती है तो वो काम करे बिना वापस नहीं जाती। सही कहा ननद जी ने, उनका मकसद तो खोए हुए हार का पता देना है। वो होते ही दादाजी वापस चले जाएंगे और मेरी दीदी भी वापस आ जाएगी। हाँ, लेकिन अब क्या करूं? माँ जी, पहले तो आप कुकर से हाथ हटा लीजिए वरना जल जाएगा। और फिर गर्मा गर्म चाय लेके दादाजी के पास पहुंच जा और बातों ही बातों में पूछ ले। बाबूजी, चाय कैसी लगी? बाबूजी, हार कहाँ रखा है? बाबूजी, चाय ला। वैसे बहू, कोनो काम काज तो ठीक से तो करती है नहीं, और ये चाय जो है ना बहुत बढ़िया बना लेती है। पानी कम दूध ज्यादा, आपकी स्पेशल अदरक इलायची वाली चाय बनाना मैं कैसे भूल सकती हूँ बाबूजी? बाबूजी, आपसे मुझे कुछ कहना था। हाँ, जा ले आ, एक प्याली चाय और ले आ मेरे लिए। नहीं नहीं, मुझे कुछ
और कहना था। बहु कहना तो मुझे भी था तुझसे। देख, जब से तू ब्याकर आई है इस घर में, तब से लेकर आज तक तेरी सारी गलतियां, तेरी सारी बेवकूफियां मैं हमेशा प्यार से माफ करता रहा हूँ। हाँ बाबूजी, इसीलिए आपसे कुछ। हमेशा मैंने तुझे मेरे बेटी की तरह माना है। भले ही तू घर में दिन भर नुकसान पे नुकसान करती फरे, सब घर का भंटा धार करने पे तुली रहे, फिर भी मैंने तो तुझे हमेशा अपनी पलकों पे बैठा के रखा है। हाँ बाबूजी, आप बिल्कुल। हाँ, और देख, यशोधरा तेरी सास भले ही तुझ पर कितना भी चिल्लाती रहे, पर मैंने कभी नहीं चिल्लाया। बता बता, जो कभी भी मैंने जो तुझ पर चिल्लाया हो, कभी आवाज भी जो मैंने उठाई हो, तो बता। नहीं बाबूजी। बल्कि मैं तो हमेशा यशोधरा से तुझे बचाता ही आया हूँ, वरना यशोधरा का स्वभाव तो तू अच्छे से जानती है। बहुत अच्छे से, किशोर कुमार के गाने और सासू माँ के ताने भला मैं कैसे भूल सकती हूँ। फिर तो काम भी तो ऐसे करती है, जब देखो चीजें इधर उधर करके भूल जाती है, और मैं बस बताता फिरता हूँ तुझे यशोधरा की डांट से। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, मैं बंसी की बेटी हूँ ही इतनी भुलक्कड़, ना समझ, नादान और कामचोर भी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बाबूजी, बंसी की बेटी गलतियां ही इतनी करती है, आपको परेशान इतना करती है, लेकिन अब जैसी भी है तो आपकी बहू ही ना। बहू बताया ना, बहू नहीं है तो मेरे। अरे तू तो मेरी बेटी है। जी बाबूजी, अब आपकी बेटी से एक गलती हो गई है। का? मक्खी गिरी हुई चाय तो ना पिला दी तो ना मुझे। नहीं नहीं बाबूजी, वो सासू माँ का दिया हुआ 10 मोहरों वाला उस टेनिस सोने का हार था ना। हाँ, तो उसका क्या हुआ? वो सोने का हार गुम हो गया है। यशोधरा का हार घुमा दिया तूने। हे भगवान, चुप चुप, मैं भी कहीं छुपता हूँ, तू भी कहीं जाकर छुप जा, चल चल चल, छुप जा बेटा, कहीं जाकर छुप जा। अरे यशोधरा नहीं छोड़ेगी। अरे ये क्या कर दिया तूने, यशोधरा का हार घुमा दिया। तुझे का मेरठ में तीसरा महायुद्ध कराना है। अरे यशोधरा का तो तुझे पता ही है, जो उसको पता चल गया ना, तो तेरे साथ साथ मुझे भी घर के बाहर कर देगी, फिर हम दोनों खड़े होंगे घर के बाहर झोला टांगे। नहीं नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप तो बस मुझे हार। हाँ, यशोधरा ने तो मुझे कितनी दफा कहा मत भी अकेला ही हो बंसी के बेटे को, पर मैं लड़ लड़ के तुझे घर की बहू बना के ले आया। अब तू ऐसे काम करेगी तो काम मुँह छुपाता फिरूंगा मैं। लेकिन बाबूजी। अरे जी भी कुछ नहीं, जीना हराम कर देगी वो औरत, तेरा भी और मेरा भी। लेकिन बाबूजी, मैंने तो हार बहुत संभाल के डब्बे में डब्बा ही डालती रह गई। हार डालना तो तू भूल ही गई, मारे गए बहू, हम सब तो मारे गए। अरे बाबूजी, इसीलिए तो पितृ आमंत्रण की पूजा करके आपको बुलाया, अब आप ही बताइए ना कहाँ घुमा है मेरा हार। हार मैं बताऊं? हाँ। नप सना पकती जा रही है। अरे मुझे का पता कहाँ हो गया हार। और देख बहू, देख इस सब के बीच में मुझे बिल्कुल मत लाइयो, तुझे तो यशोधरा का पता ही है, तेरे साथ साथ मुझे भी मुर्गा बना देगी। हे भगवान, सुन मैं क्या कहता हूँ,
तू दो चार दिन का अपने मायके को चली जा और मैं भी हरिद्वार निकल लेता हूँ। नहीं नहीं बाबूजी, सासू माँ नहीं आएंगी। मैंने पितरों आमंत्रण की पूजा करके सिर्फ आपको ही बुलाया है। अरे बावरी, का इतना पितरों लगा के रखा है? पर मैं गया ही कहाँ को था जो तू मुझे बुला कर लाएगी। अरे मैं तो यहीं बैठा ताल मोट खाता रहता हूँ। अरे बाबूजी, मैंने उस लोग से आपको इसीलिए तो बुलाया है, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। अरे भूख, धीरे धीरे बोल, धीरे बोल, यशोधरा सुन लेगी। लेकिन बाबूजी, सासू माँ होंगी तो सुनेंगी ना। अरे बहुरिया, वो बुढ़िया कहाँ को जाएगी? गाजियाबाद से अभी अभी तो लौटी थी परसों को, और यूं लगा ले बस अभी अभी निकली है मेरे सामने से गज्जक खाती हुई। बाबूजी वो सब छोड़िए, आप तो मुझे ये बताइए कि मेरा खोया हुआ हार मुझे मिलेगा कहाँ? कुछ दिन ही हार घुमा दिया तूने कुंती। बाबूजी हार का पता है भी नहीं चले गए। आवाज कुछ सुनी सुनी लग रही है। अरे सुनी सुनी कहाँ बहू, हमेशा की तरह भारी भारी लग रही। बंसी की बेटी, सासू माँ। सुनती नहीं है कुंती, खानी हो, खानी हो, मुझे खानी कर, खानी, छोड़, 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 नहीं नहीं नहीं, बंसी की बेटी, तू संभाल मैया, हो संभाल। सासू माँ, सासू माँ, लला, लला तेरी दादी आ गई। बाबूजी, आप ऐसे चौड़े में क्यों घूम रहे हैं? सासू माँ बाहर ही बैठी होंगी, आप छुप जाइए, छुप जाइए। मैया, कदाचित आप इस प्रकार विचलित होकर ये क्या संज्ञान संभाषित कर रही हैं? माँ जी, आप ये सब क्या बोल रही हैं? एरियन दीदी। अरे मम्मी जी, दीदी तो फिर से दीदी बन गई। हाँ माँ जी, दीदी वापस आ गई। और सासू माँ? सासू माँ तो आप ही है ना, आप तो तब से आप है, आपके अंदर आत्मा आई नहीं। अरे मैं सासू माँ यानी कि लल्ला की दादी की बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा मैया, पहले पहले तू शांत हो जा मैया, शांत हो जा। घर में भूचाल आया और तू शांत होने की बात कर रहा है? ससुर जी को पितरों आमंत्रण करके बुलाया था, लेकिन ये सासू माँ की आत्मा कैसे आ गई? बता लल्ला, कैसे आ गई? बता बता लल्ला। माजी, माजी, लगता है दादाजी के साथ साथ दादी की आत्मा भी
घर से बाहर चली गई है। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी। नहीं गई है, ऐसे शंख तो सासू माँ ही बजाती है। मैया, मैया, लल्ला नहीं, शंख। हुबहू ऐसे ही तेरी दादी शंख बजाती थी। लल्ला, लल्ला, तुझे याद है जब तू खेल के देर से घर लौटता था और तेरे पिताजी बेल से तेरी सुताई किया करते थे, उसी वक्त तेरी दादी की पूजा का वक्त होता था और वैसे ही शंख बजाती थी। और पिताजी कहते थे कि जब तक ये शंख बजेगा तब तक मेरी बेल चलेगी। याद है मैया, याद है। मर गई मैया, मर गई। अरे मैया, मैं मर गई लल्ला। अब तेरी दादी भी ऐसे ही बेल्ट लेके मेरी सुताई करेगी। मैया, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि मैंने उनका दिया हुआ पुश्तैनी हार गुम कर दिया है। मैया, लल्ला, लल्ला, मेरी शामत आ गई। लल्ला, इस बात पे तो घर पे मिठाई आनी चाहिए। लल्ला, ऐसा कर, तू घर से कहीं चला जा, चला जा। लल्ला, बस आसुमा, इतने मुद्दतों के बाद आप पे शामत आई है और लल्ला चला जाए, सब बैठ के यहीं चुस्की लेंगे। लल्ला, तू देख नहीं पाएगा, सासू माँ जो मेरी दुर्गति करने वाली है तुझसे देखा नहीं जाएगा। अपनी मैया को अपनी आंखों के आगे पिटता हुआ नहीं देख पाएगा लल्ला। कन्हैया जी, आपने जाना है, आप जाइए। मम्मी जी, जब आपकी डांट पिटरी होगी ना तो उसे हम फोन पे रिकॉर्ड करके कन्हैया जी को बाद में दिखा देंगे। ठीक ठीक भैया। एल्विया, एल्विया, 11th नहीं, मैं 12th पास हूँ भाभी। अरे वो आ रही है। बचपन में थोड़ी मोटी थी। थोड़ी नहीं, दुटी भैंस थी, भैंस पूरी। नहीं, वो तब से भाभी दादी, तब से दादी मुझे। ये कौन है? सहेली है क्या तेरी? नहीं बहू, पड़ोस की बहू। इतनी लिपस्टिक का ठोक रखी है, मुफ्त में मिलती है का? लगता है तब अच्छी होगी। भाभी, दादी कहा है ना, उसके पिताजी की लाली पाउडर की दुकान है, तो जो भी सैंपल आता है वो पहले उसके मुंह पर जाते हैं। अच्छा है, इतने पिताजी की तू है माने की दवा की दुकान नहीं है।